गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आर न्यू ब्लॉग। तो पहले तो देखो कितना कोहरा है, जबकि ठंडी, हाँ ठंडी अब ऑलमोस्ट जाने के इस पे है। देखो मैंने स्वेटर वेटर भी नहीं पहना है, तो फिर मैं जुकाम हो जाता है मुझे नहीं हुआ है अभी तक। और कोहरा देखो कितना है, तो एकदम मौसम मतलब अच्छा है। और चाय हम लोग ने पी लिया है, तो अब हमारी जो डेली रूटीन है वो हम करेंगे। खाना बनाना गाइस हाँ खाना बनाना कुछ सब्जियां तो रखी, हम कुछ दिन से बाहर ही खा रहे हैं, तो सब्जियां रखे वो ख़राब हो जाएंगे, तो अब वो बनानी है, उन्हें बचाना। ये अंकल, ये जो है ना रेड वाला, ये अंकल के घर पे मस्त तो खाना बनाता, और हमने इतना खाया ना, बाप रे बहुत खाया। हमारा कुछ आगे रिकॉर्ड करने का मन ही नहीं किया, हम लोग आए और आके सो गए, 5-6 बजे तक सो ही रहे थे, बोलो ऐसा खाया था हमने। तो अच्छा, और मम्मी ने ना आज घी और एक मिठाई भी बनाई है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मम्मी ने सुबह ही घी बना लिया है, और ये जो मिठाई वो बन बचती है ना, इसको क्या बोलते हैं, खुरचन, क्या बोलते हैं घी का जो खुरचन, हाँ खुरचन जो बच जाता है ना, वो देखो कितनी सही है शेप, लगता है पापा ने ही दी है, कलाकंद बना, कलाकंद देखो कितना सही शेप दिया है। और ये इतना सारा घी, और अब हम ये तो बिस्किट जो मैंने खाई थी ये रख देते हैं, और अब हम देखेंगे आगे क्या बनाना है। हम तो होता है दूध और मखाना, वो भी रेडी है, इन्होंने तो खा लिया, खाली पेट खाते तो इन्होंने खा लिया है, और अब देखेंगे नाश्ते के बाद क्या खाना बनाना है। और मैं तो एक बोली थी, अब तो 3 खाना पड़ेगा और आपको भी बोली है, हाँ शुगर डॉक्टर बीपी और पेट भैया खराब होते खाए, आप भी खाओ, आपका क्या सिक्स अप है क्या हमारे यहाँ लहसुन वसुन कोई खाता नहीं, कहीं कैप्सूल में मछली का तेल खाती हो जो तो नहीं जाता है, तब क्या ये भी निकल जाओ इसे। अब इसको पूछना है कि मुंह में नहीं पूछना है, इसको पेट में इसको फटना चाहिए। अच्छा यानी आप सबको तीन 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 खाना है? हाँ तीन से ज्यादा नहीं, लेकिन दुइये खाएगा। इसको हम लोग अब मैं खाना बनाने के लिए आ गए, प्याज काटी मैंने अभी, तो इसलिए थोड़ी आँखों में पानी है। और ये देखिए हमारी सब्जी कटने लग गई है, क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं 2 सब्जियाँ। एक्चुअली जितनी भी हमने खरीद के लाई थी ना पिज्ज़ा वगैरह बनाने में, तो उसमें से बहुत सारी सब्जियाँ बच गई और ख़राब हो जाएंगे, इसलिए हम कटहल पनीर और मशरूम सब बना डालेंगे। तो कटहल की सब्जी अलग बनेगी और पनीर मशरूम अलग बनेगा, एक साथ नहीं बनाएंगे हम। हाँ मतलब अलग अलग तो बनेगा ही, फिलहाल उसकी हम तैयारी कर रहे हैं, अभी तो प्याज टमाटर काटा जा रहा है, फिर हम कटहल पनीर और मशरूम भी काटेंगे और उसके बाद उसको बनाएंगे। और कटहल आज हम एकदम सादा बनाएंगे, ग्रेवी की नहीं बनाएंगे तो मिलते हैं आपसे। देखो कटहल हमने हल्का सा पानी डाल के उसको रख दिया है, और यहाँ पे मैं उसका मसाला भून रही हूँ, और यहाँ पे हमारा पनीर उबल रहा है, और ये सब्जी कट चुकी है, आप देखिए मशरूम भी हमने अच्छे से छील लिया है, और अब हम दोनों सब्जी बनाते हैं। अभी मम्मी ने और सबने मखाना खा लिया है, मैंने भी खा लिया मखाना, मखाना खा लिया, अब क्यों बताएगा। और हाँ डाल दूंगी, अब हम लोग बाकी चीजें बनाते हैं। हमारी कटहल की सब्जी बन चुकी है ना, और कुछ इसमें करना है नहीं बस। ये हमारी कटहल की सब्जी तैयार हो चुकी है, इसमें धनिया की पत्ती डाल दी गई है, और बस अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि उसी भाप में पक जाए। और अब हमारी अगली तैयारी शुरू हो चुकी है पनीर की तरफ, हम पनीर की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पनीर उबाल दिया है, आलू प्याज टमाटर शिमला मिर्च मशरूम सब काट लिया है, और ये एकदम तैयार है पनीर की सब्जी बनाने के लिए, और मम्मी ने मटर भी छील दिया है, तो अब हम लोग अपनी पनीर की सब्जी बनाएंगे। तो हमारी पनीर की सब्जी ने भी आकार लेना शुरू कर दिया है, आप देख सकते हैं
इधर हमारे मटर उबल रहे हैं, इधर मटर उबल रही है तो मटर उबल चुकी है। और ये देखिए इधर सब्जी का एकदम इसमें सारे टमाटर प्याज शिमला मिर्च सब डल चुकी हैं। और अब इसमें जा रहा है मशरूम, क्योंकि हम बना रहे हैं मशरूम पनीर, और फिर इसमें पानी और उसके बाद पनीर डाल के हमारी सब्ज़ी एकदम तैयार हो जाएगी। हम अभी खाना खाएंगे नहीं, लेकिन हमने सब बना लिया है कि जब हमें खाना हो तो मस्त रोटी और चावल बनाएं और ठाट से खा लें। अब इस मसाले भुनने के बाद हमने इसमें मटर और पनीर अलग से उबाल लिया था, वो शिमला मिर्च और मशरूम सब डाल के अच्छे से भून लिया है। और अब हम इसमें थोड़ी देर में गर्म पानी डाल देंगे। अब हमने पानी डाल के इसको अच्छे से पका लिया और थोड़ी देर में बंद कर देंगे। ये हम लोग ने ना ऑर्डर किया था और ये मुझे मेरे पास पॉइंट थे एक्स्ट्रा, उसके वजह से मैंने पॉइंट से लिए। तो अब मैं ये पहली बार यूज़ ये वाला प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ इस कंपनी का। और पार्सल आया, अभी मैं देख रही हूँ क्या है इसको, ना बहुत ताकत लगेगा फाड़ने को। ऐसा पैक है, ये देखो, ये मैंने मंगाया था हेयर सीरम, ये है मेरा हेयर सीरम, और ये मेरा है आईब्रो पेंसिल, ये मेरा है, ओके इट्स अ काइंड ऑफ ब्लशर आप बोल सकते हो, टिंट करते हैं ना लिप्स को और चिक को, उस पे मेकअप के लिए यूज होता है, बहुत प्यारा है। और ये है मेरा लिप स्क्रब, स्क्रब करने के लिए। तो ये सारे प्रोडक्ट एक्चुअली में मुझे फ्री मिले क्योंकि मेरे पास पॉइंट थे, बहुत अच्छा। मैं ये यूज करूंगी ना तब बताऊंगी। हाँ ये ना मैंने ऑनलाइन मंगाया था आईब्रो पेंसिल, लेकिन ना इसका प्रॉब्लम मालूम है क्या हो रहा है, ये ना चल नहीं रहा है, जैसे देखो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। तो इसके वजह से ना अभी ये रिटर्न नहीं जा रहा है, अब वो कट कर देना, नहीं बिल्कुल नहीं तो ये रिटर्न नहीं जा रहा है। तो मैंने सोचा तो क्या कर सकते, तो इसको ना ट्राई कर रहे हैं, मैं ना थोड़ा हीट देने का सोच रही हूँ, अगर चालू हो गया तो चालू हो गया, नहीं हो गया तो नहीं हो गया, ये बंद हो गया। तो अभी ना मैं ट्राई कर रही हूँ, हुआ तो हुआ, देखो अभी से जल गया इधर, कुछ नहीं हुआ। पोपट गाइस।